क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. मैंने ये ग्राउंड बना दिया और यहाँ पे समझ लो ये एक काइट है. वाओ क्या ब्यूटीफुल काइट है ना. ये जो काइट है वो ग्राउंड से कितने मीटर, 60 मीटर की. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट टू द टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब जो इस पर जो स्ट्रिंग यूज की गई है, यानी कि जो धागा होता है जिससे पतंग उड़ाई जाती है, उसको ग्राउंड में किसी एक पॉइंट पर, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर टाइटली बांध दिया गया है ताकि उसमें कोई ढीलापन ना आए, ठीक है, और वो एकदम स्ट्रेट है. द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. और जब इस स्ट्रिंग को जब इस पॉइंट पे बांधा गया तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये. ओके, और स्ट्रिंग में कोई भी स्लैक नहीं है. स्लैक मतलब कोई भी वो ढीला नहीं है, मतलब ठीक है, बिल्कुल टाइटली कसा हुआ है. ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए स्मॉल ए. तो ग्राउंड पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का. ओके, लेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए मीटर. ओके, नाउ उसको हम क्या मानेंगे, क्या बोला था उसके लिए, काइट के लिए द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम अ ग्राउंड. ठीक है, द हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम अ ग्राउंड, ग्राउंड से जो काइट की हाइट आई है वो कितनी है, 60 मीटर. यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ अ, ये लिखो डिस्टेंस ऑफ काइट फ्रॉम अ ग्राउंड इज इक्वल्स टू 60 मीटर. ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. ओके, ये डिनोट कर रहा है कि जो काइट है वो ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पर है, 60 मीटर पर. ओके, तो हम उसको हाइट मान लेंगे. ओके, अब हम उसको सॉल्व करते हैं. ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेन्यूज एच, किसका रिलेशन बता रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, साइन. और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले यहाँ लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी तो लिखना पड़ेगा हमें, जिसको हम थीटा बताते हैं वो कितना है, 60 डिग्री. साइन थीटा लग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा कितना है, 60 डिग्री. और परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है वो है एच, सॉरी 60 मीटर. ओके, अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने क्या माना, स्मॉल ए. साइन 60 कितने डिग्री होता है, रूट 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 अपॉन a. क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a रूट 3 इक्वल्स टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, अब आपने क्या करना है, आप जैसे कि जानते हो कि रूट 3 को मैं इधर लेकर जाऊंगी तो वो इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. a इक्वल्स टू 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 अपॉन, अब रूट 3 इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो मैंने लिख दिया रूट 3. अब रूट 3 को क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करें, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 अपॉन रूट 3 से. ओके, ना a इक्वल्स टू 120 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, 120 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो 3, और उसको कैंसिल करो, 3 4 12 0, a इक्वल्स टू 40 रूट 3 मीटर. तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई है
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आई है, 40 root 3 meter. क्लियर?